सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनावी नतीजे सामने आने और बसपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद तितर बितर की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चाचा शिवपाल सिंह पर हार का असर बेअसर नजर आ रहा है। शिवपाल अखिलेश को पछाड़ने के लिए कोई ना कोई मौका देखकर चौका मार ही देते हैं। एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। दरअसल आगामी 8 अगस्त को शिवपाल यादव अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर उतरने वाले शिवपाल ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। शिवपाल अपने इस प्रदर्शन योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और सरकार की खामियों को निकालते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखाएंगे। वैसे देखा जाए तो आगामी 9 अगस्त को सपा भी लखनऊ की सड़कों पर उतरने वाली है। फिलहाल शिवपाल के इस फैसले ने अखिलेश यादव को बैकफुट पर लाने का काम जरूर कर दिया है, क्योंकि एक मजबूत विरोधी होने के बावजूद जिस तरह अखिलेश से शिवपाल ने बाजी मारी है, उस पर अखिलेश यादव सिर्फ मुंह ताकते रह गए हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।